मैंने भी एक दो रिमिक्स गलती में कभी गा दिए हैं ऐसा जब शुरुआती स्ट्रगल दौर था मुझे नहीं पता था लेकिन मैं हमेशा से इसके अगेंस्ट था और आज भी मैं हर जगह यही कोशिश करता हूँ कि मैं रिमिक्स ना गाऊँ लोगों को मना करता हूँ आई से नो तो ये मैं खुल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मौका मिला बताने का तो ये भैया ये है कि आप रियलिटी शो में आएँ लेकिन आपको असिस्ट करना चाहिए अच्छे अच्छे सिंगर कंपोजर्स को ताकि आपको माइकिंग क्या होती है वो पता चले स्टेज पर तो यार ऑडियंस में उठ के भी कोई भी गा सकता है रियलिटी शो दस साल में एक बार होना चाहिए एक बेस्ट सिंगर आपने ढूंढा उसको इनकैश करो उसको अच्छे शोज दो उसके हर तरह के गाने सुनो हर इमोशन को सुनो, फिर उसके बाद एक नया रियलिटी शो करो जिसमें एक भारत ने भैया एक हर रियलिटी शो में एक नया सिंगर भी खोजा है hmm, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा समेटेगा मुझको तू बता जरा सलाम अल मैं हूँ शाहिद माल्या और आप मुझे देख रहे हैं मिर्ची प्लस पर हैलो एवरी वन माई नेम में सिद्धार्थ शुक्ला आज मेरे साथ वो सिंगर है जिनके गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं बट हाल ही में उनका एक गाना है जो इंस्टाग्राम सोश बेसिकली ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है येस आई एम टॉकिंग अबाउट शाहिद माल्या अ वेरी वॉम वेलकम सर शुक्रिया भाई थैंक यू सिद्धार्थ थैंक यू सो मच सो शाहिद सर आई टू स्टार्ट विद आपके ज़्यादातर गाने बहुत लॉन्जिविटी के साथ रहे मतलब काफ़ी सारे गाने पॉपुलर हैं मगर वो गाने आज भी याद किए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रब्बा मैं तो मर गया रे 2011 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आया था वो अभी भी उतना ही फ्रेश है और कुकड़ ये गाना है और बहुत सारे गाने हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक जाने जाते हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ कुछ गाने ऐसे हैं जो आते हैं हिट होते हैं फिर वो चले जाते हैं वॉट यू थिंक इज़ द रीज़न जो आपके गानों को इतना लंबा लाइफ देता है देखिए गाने एक पूरी टीम के थ्रू बनते हैं गाने और पूरा टीम का उसमें साथ होता है हाथ होता है शुरुआत होती है डायरेक्टर से जो एक थॉट देता है कि मुझे ऐसा गाना चाहिए फिर कंपोज़र उसको धुन में ढालता है माहौल में ढालता है साज साजिंदों में ढालता है फिर उसके बाद लिरिसिस्ट उस पर अपने लफ्ज़ लेके आते हैं उसके बाद वो गाना एक शेप लेता है उसके बाद हम जैसे सिंगरों को मौका मिल जाता है और हम उसको थोड़ा सा गा देते ढंग से और वो अच्छा लग जाता है तो एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम वर्क और ऐसे गाने बहुत कम बनते हैं जिसमें इतना ज़्यादा एफर्ट हो मेहनत हो तो रब्बा में तो मर गया ओ इज़ वन ऑफ देम बिकॉज इसमें बहुत मेहनत uh, की गई इन गानों में और मैंने भी बहुत कोशिश की थी अच्छा करने के लिए और अच्छा हुआ एंड ऑफ द डे और सबको अच्छा लगा सो कला yes, मूवी और उसके सारे गाने लोगों ने बोला था एक काइंड ऑफ रिलीफ था म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बिकॉज़ उसके गाने पॉपुलर तो ठीक है थे ही प्लस बहुत ही लाइक दिल से जुड़ गए थे लोग इस गाने से आपका एक्सपीरियंस कैसा था कला में गाना गाते वक्त बहुत ही अमेजिंग मैं हमेशा से सोचता था कि मैं वो जो सुनते आया हूँ कभी मुझे वैसा गाने का मौका भी मिले क्योंकि मेरे जो एजुकेशन हुई है शुरुआती वो ऑल इंडिया रेडियो से हुई है बचपन में पापा हमें ऑल इंडिया रेडियो लगा के देते थे रेडियो पे और हम सुबह बिस्तर में सोते सोते उठते उठते ऑल इंडिया रेडियो के कम से कम दो तीन घंटे सुन लिया करते जिसमें से ऐसे ऐसे सिंगर्स महान सिंगर्स जैसे रफ़ी साहब लता जी आशा जी मनाडे मनाडे साहब तलत महमूद साहब हेमंत कुमार साहब तो ऐसे महान कलाकारों को सुन सुन के तो हमारी परवरिश हुई है कला में भी एक बात रही कि फोर्टीज़ का एरा दिखाया उस फिल्म के दौरान और उसमें वैसा ही म्यूजिक क्रिएट किया मित त्रिवेदी सर ने तो अगेन टीम वर्क और मैं तो ऐसा काम चाहता था तो वो भी मेरे लिए भी एक प्लस पॉइंट हो गया और मुझे बहुत मजा आया प्रोजेक्ट करते हुए आई यू हैप्पी विद करंट सिचुएशन ऑफ म्यूज़िक इंडस्ट्री लाइक ओवरऑल जहाँ म्यूज़िक इंडस्ट्री जा रही है बहुत सारे लोग यू नो कमेंट करते हैं रीमिक्सिस के बारे में बहुत रीमिक्सेज हो रहे हैं आपका टेक क्या है उस पर देखिए मैं तो ध्यान ही नहीं देता कौन सा गाना रिमिक्स हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है बट जब भी कभी सुनने मिल जाता कोई रिमिक्स तो मैं यही सोचता हूँ कि ये उन लोगों का काम है जो मतलब मैदान साफ होने के बाद में भी कुछ लोग युद्ध करने के लिए आते हैं ये वो लोग योद्धा हैं जो युद्ध खत्म होने के बाद युद्ध करने आते हैं तो जब किसी ने क्रेडिट ले लिया है किसी गाने का कोई किसी गाने का मालिक है कोई किसी गाने के लिए मेहनत करके कोई उसमें नाम कमा लेता है तो उसको रिक्रिएट करके अगर आप को लगता है कि आपने बहुत बड़ा कुछ कर लिया तो ये आपकी गलत फहमी है ऐसा नहीं कि मैंने भी एक दो रिमिक्स गलती में कभी गा दिए हैं ऐसा जब शुरुआती स्ट्रगल दौर था मुझे नहीं पता था लेकिन मैं हमेशा से इसके अगेंस्ट था और आज भी मैं हर जगह यही कोशिश करता हूँ कि मैं रिमिक्स ना गाऊँ लोगों को मना करता हूँ आई से नो तो मेरे हिसाब से जैसे आप कोई खेत है मान लो गेहूं का खेत है तो उसकी जब फसल कटती है फसल कटने के बाद में जब दाने वाने सब उठा ले जाते हैं तो फिर एक फौज आती है चिड़िया की इसकी उसकी वो दाने उठाने आती है तो रिमिक्स जो बनाते हैं वो लोग वो चिड़िया जैसे हैं कि उनको लगता है कि खेत उन्होंने संभारा है तो ऐसा नहीं है आपको जब ऑफर होता है तो आप मना कैसे करते हैं उसको मैं उनसे पैसे ज़्यादा मांग लेता हूँ <laughs> तो उनका जितना बजट नहीं होता उतने पैसे मैं मांग लेता हूँ फिर उनको ही मना करना पड़ता है सॉरी सर हम लोग नहीं कर पाएंगे नाइस ट्रिक नाइस ट्रिक अच्छा आ, अभी कुछ दिन, दिन, दिन पहले सबको पता चल जाएगी इस इंटरव्यू के बाद में <laughs> <ये जिन। laughs> तो आप एक नया बहाना सोच सकते हैं बहाना तो नहीं है मेरा सबसे ये कहना है कि देखिए हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है वो बहुत रिच है जितने भी देश हैं सबके म्यूजिक अच्छे हैं लेकिन मैं अपने देश के म्यूज़िक की बहुत तारीफ करता हूँ सुनता हूँ और मैं तो इतना सुन ही नहीं पाया जितना बड़ा म्यूजिक है और सुनते सुनते पीढ़ियाँ लग, जाएं लग जाएंगी मुझे लगता है इतना विशाल है म्यूज़िक का जो स्तर है बहुत ही ज़्यादा इसमें वेरिएशंस हैं हर तरह का म्यूज़िक है तो वाई नॉट वी शुड मेक न्यू थिंग औरिजिनल्स तो रिमिक्स तो कभी भी बनाए जा सकते हैं yeah. क्योंकि अथा सागर में आप बैठे हो और आप चुल्लू भर पानी की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं वैसे कौन होता हूँ ये सब जज करने वाला जिसको जो समझ में आया करते रहो बनाते रहो लेकिन मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें जो न्यू कमर्स हैं जो रिमिक्स करना चाहते हैं करने वाले होंगे उनको पहले ही मैं बता देता हूँ कि ओरिजिनल्स के लिए बहुत स्कोप है उसमें आपका भी नाम होगा आपको फुल क्रेडिट मिलेगा उसमें Do यू थिंक सोशल मीडिया का कोई हाथ है uh, गाने को हिट कराने के लिए बिकॉज बहुत uh, काफ़ी सारे म्यूज़िक पीसिस ऐसे होते हैं जो एक्चुअली रील्स के थ्रू पता चलता है ये भी एग्जिस्ट करता है Do यू थिंक सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली हेल्पफुल इन मेकिंग अ सॉन्ग मोर विजिबल उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए जैसा माहौल है वैसा उसके हिसाब से सोशल मीडिया अभी तो सबकी ज़रूरत बन गया है एक टाइम था जब सोशल मीडिया नाम भी नहीं था और लोग माउथ पब्लिसिटी से गाना सुनते थे फिल्म देखते थे तो आजकल लोग इतने बिजी हैं कि वो माउथ पब्लिसिटी तो होती ही नहीं बिकॉज लोग मिलेंगे तब तो माउथ टू माउथ बात होगी ना यहा। तो यहाँ लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं इंस्टाग्राम पे करते हैं और मेल्स पे बात करते हैं या फिर कॉल्स पे बात करते हैं तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ख्याल से गाना इधर से उधर पहुँचाने के लिए और सोशल मीडिया का हाथ दोनों जगह पे है अच्छा गाना और बुरा गाना दोनों को हिट करा देते हैं सोशल मीडिया हाँ तो फिर लोग हिट को तोज्जो देते हैं बोले यार इसके भी इतने व्यूज़ हैं इसके भी इतने फॉलोवर्स हैं इतने व्यूज़ हैं तो अब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सही मायने में किसको पिक किया जाए तो मेरे ख्याल से एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए कि बेस्ट और वर्स्ट में क्या डिफरेंस है पता लगना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया से दिस ब्रिंग्स मी टू मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े थे स्पेशली जो रील्स के नीचे कि लोगों ने लिखा था शौक गाने के लिए कि आई विश यू नो कि शौक के रील्स ना बनाए बिकॉज़ उसकी दिन एसेंस बना रहे वो बार बार रील्स क्रिएट कर करके कर करके कर 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 करके एसेंस ख़राब ना करे बहुत सारे गाने के लिए ऐसा होता है कला के सॉन्ग्स के लिए भी ऐसा हुआ घोड़े पे सवार पे बहुत सारे रिमिक्स बने थे वॉट डू थिंक एंड शौक के लिए लोगों ने काफ़ी एक्चुअली सपोर्ट किया था इसके ना बन इसके लिए ना बनाया जाए क्यों नहीं बनाया जाए बनाया जाना चाहिए बिकॉज क्या है uh, जब नहीं बनाया जाएगा तब लोग कहेंगे यार सॉरी अंडर रेटेड सॉन्ग तो हम उस अंडर रेटेड से निकलने के लिए एटलीस्ट ओवर रेटेड ही ठीक रहेगा हमारे लिए ऐसे कितने गाने हैं जिनके रील्स बनने चाहिए तो मैं तो हैप्पी हूँ कि इसके रील्स बने हैं ताकि लोगों को एक अवेयरनेस भी आए कि अच्छी चीज़ों की रील्स भी बनते हैं अच्छे गानों के भी बनते हैं मैं अपने गाने की बात भी नहीं कर रहा बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं इंडस्ट्री में उनके गानों के रील्स भी आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अच्छे गाने एटलीस्ट लोगों तक पहुंचते हैं और उनको एक फ़र्क समझ में आए कि वाकई किसको हिट होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए राइट right. अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था बेनी दयाल जो सिंगर हैं उनके साथ आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर चलते शो में एक ड्रोन आकर उनके सर पे लग गया था uh, ए आर एहमान सर के uh, बेटे को भी आई थिंक uh, सेट पर ही वाज लाइक एक एक एक्सीडेंट हुआ था व्हाट डू यू थिंक ये सेफ्टी सेफ्टी कंसर्न्स अबाउट द सेफ्टी कंसर्न बिकॉज ये दिस कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो देखिए इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है कि कुछ आइडियाज़ आ गए होंगे लोगों को कैसे हर्ट कर रहा है सिंगर्स को या आर्टिस्ट को बट uh, मैं तो बहुत तैयार रहता हूँ स्टेज पे माइक होता है मेरे पास मैं माइक से ड्रोन को हटा सकता हूँ साइड कर सकता हूँ तो uh, अगर उनको लगा है तो सच में ये अच्छी बात नहीं है uh, जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट का uh, अमित शाह अपने गाने में मशगूल होता है तो उसको पता नहीं होता कि आजू बाजू क्या हो रहा है क्या चल रहा है और ये ड्रोन जो नई चीज़ आई है मेरे शो साथ भी बहुत बार मैं बचा हूँ इससे तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने माइक का इस्तेमाल करें सिंगर्स और जो इसको चला रहे हैं ड्रोन को वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें या एंड आई थिंक सेफ्टी क्लॉज आई थिंक मैनी दयाल सर ने बोला भी था uh, एक वीडियो में कि सेफ्टी क्लॉज आर्टिस्ट को डाल देने चाहिए इन देयर अग्रीमेंट पेपर्स यू नो वेन एवर अबाउट टू गो फॉर अ शो नहीं हम लोग हम लोग डालते हैं सेफ्टी सारी चीज़ें डालते हैं अब जहाँ पे जो चीज़ हो जाती है हो जाती है क्योंकि हम लोग जैसे बाउंसर्स लेते हैं शोज में हम लोग कैसे एंट्री करेंगे कैसे एग्जिट करेंगे स्टेज कितना स्ट्रॉग है वो सारी चीज़ें हम लोग साउंड चेक में चेक कर लेते हैं हमारी टीम कर लेती है तो वो सब क्लोजेस में सारा कुछ होता ही है तो जब आर्टिस्ट इंट्रैक्शन करता है पब्लिक के साथ में ऑडियंस के साथ में तो उसका मज़ा अलग है ज़्यादा सेफ्टी करेंगे तो फिर ऑनलाइन शोज़ करने पड़ेंगे दिस ब्रिंग्स वी डू रियलिटी शोज लाइक वॉट डू थिंक रियलिटी शोज़ क्या एक्चुअली हेल्प करते हैं सिंगर्स को जो एस्पायरिंग सिंगर्स है स्पेशली बहुत सारे लोग बहुत बहुत सीखे हुए डू दे एक्चुअली हेल्प सिंगर्स गेटिंग यू नो गिविंग प्लेटफॉर्म या फिर बेसिकली करियर बिल्ड करने के लिए रियलिटी शोज़ uh, दो चीज़ें करती हैं एक तो जो टैलेंट इंटीरियर uh, में है बहुत जो आगे नहीं आता वो इश, वज़े, इस वजह इस वजह से वो आते हैं और हौसला अफजाई होती है उनको प्लेटफॉर्म uh, मिलता है लेकिन संगीत का एक uh, ऐसा मैार है लेवल है कि उसमें आपको एक थिन लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं करना होता है yeah. अगर आपको भगवान अल्लाह ने नवाज दिया तो आप एंड ऑफ द डे एक म्यूजिशन है और आपके अंदर विनम्रता बहुत ज़रूरी है और मतलब जो संगीत से लबालब होगा वो हमेशा झुक के बात करेगा और विनम्रता से सॉफ्ट वॉइस में मेरी तरह नहीं मैं तो आर्टिस्ट ही नहीं हूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रियलिटी शोज़ कुछ ऐसे सिंगर्स को ना एटीट्यूड ज़रूर देते हैं कि जो फिर उनको बेचारों को मुश्किल हो जाती है इंडस्ट्री में सर्वाइव करना क्योंकि उनको लगता है कि अभी छः महीने टी वी आए हैं तो हम तो स्टार बन गए और अभी तो ऐसा वैसा तो वो अब वहाँ से निकलने के बाद में क्या yeah. उनको मिलना तो पड़ेगा कंपोज़र से yeah. डायरेक्टर से और वो डायरेक्टर जो बने हैं जो कंपोज़र बने वो इतनी मेहनत करके आगे आए हैं कि वो छः महीने में कोई आके उनको बोले कि सर मैं गाना गवाऊँ तो उनको पछता नहीं है उनको लगता कि अच्छा ठीक है आओ माइक पे अब उनको माइकिंग नहीं पता है स्टेज और रिकॉर्डिंग माइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो रियलिटी शोज़ उनको एक तरीके से ख़राब करते हैं उनको मेरे हिसाब से उनको रिकॉर्डिंग का भी एक सेशन उनको सिखाना चाहिए कि आप यहाँ से तैयार हो के लोगों के दिलों में तो जो आपने दिल बना लिया जगह बना ली घर बना लिया लेकिन आपको अगर प्लेबैक सिंगर बनना है तो आपको माइकिंग का नॉलेज भी होना चाहिए तो ये मैं खुल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मौका मिला बताने का तो ये भैया ये है कि आप रियलिटी शो में आएँ लेकिन आपको असिस्ट करना चाहिए अच्छे अच्छे सिंगर कंपोजर्स को ताकि आपको माइकिंग क्या होती है वो पता चले स्टेज पर तो यार ऑडियंस में उठ के भी कोई भी गा सकता है बट डू थिंक रियलिटी शोज की वजह से बहुत सारे सिंगर्स जो कि एक्चुअली बहुत सालों से यू नो दे बहुत पॉपुलर हैं एंड वन ऐसे पॉपुलर उनके गाने बहुत हिट है बट डू यू थिंक रियलिटी शोज की वजह से उनको एक उनकी फ़ेस रिकगनीशन भी मिलता है एंड इफ गिवन अ चांस वुड यू बी इंटरेस्टेड इन जजिंग अ रियलिटी शो मैं भी करूँगा अभी मुझे लगता है अभी उम्र बाकी है जज करने के लिए जज वाली उम्र के लिए थोड़े सफेद बाल होने ज़रूरी है तो फेस वैल्यू राइट चेहरे को मिले और राइट right कैंडिडेट को मिले तो ज़रूरी है अच्छा अच्छा होता है वो बहुत सारे लोग अपनी फेस वैल्यू के जरिए मतलब स्टार बन जाते हैं लेकिन वो रियल स्टार नहीं होते हैं और रियलिटी शोज़ के कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप सब जानते हैं कि कहीं पार्शलिटी होती है कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है उनको अपनी टीआरपी भी चाहिए होती है और सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं ब्रो किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं मुझे ये कहना है कि अगर कोई हिंदुस्तान में कोई अगर बेस्ट सिंगर आपको मिल जाता है किसी रियलिटी शो को बेस्ट सिंगर की खोज होती है ना रियलिटी शोज़ में तो दूसरा बेस्ट सिंगर क्यों खोजते हैं <laughs> जब आपको एक बेस्ट सिंगर मिल गया है तो सौ साल तक उसको रिकॉर्ड करते रहो उसको सुनते रहो yeah. आप हर साल क्यों बेस्ट सिंगर खोज रहे हैं क्या एक सिंगर की लाइफ एक साल ही होती है yeah. Yeah. उसके बाद वो yeah. क्या पाकिस्तान yeah. Yeah. चले जाता है <laughs> तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक रियलिटी शो दस साल में एक बार होना चाहिए yeah. yeah. एक बेस्ट सिंगर आपने ढूंढा उसको इनकेश करो उसको अच्छे शोज दो उसके हर तरह के गाने सुनो हर इमोशन को सुनो फिर उसके बाद एक नया रियलिटी शो करो जिसमें एक भारत ने भैया एक हर रियलिटी शो में एक नया सिंगर भी खोजा है डी यू थिंक लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आई बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंस्पायरिंग सिंगर मतलब बेसिकली जो सिंगर्स एक्ट और म्यूजिशियंस इन जनरल आगे बढ़ना चाहते हैं और करियर बना बनाना चाहते हैं उनके लिए क्लासिकल म्यूजिक इज नेसेसरी हर तरह का uh, संगीत सीखना ज़रूरी है आप किस uh, तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि आ, आ, क्लासिकल सिंगिंग आपकी फाउंडेशन को मजबूत करता है ये तो है लेकिन आपको किस तरीके का सिंगर बनना है उसके हिसाब से उतना ही आपको आ, अपना रियाज करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा रियाज आपको फिर एक क्लासिकल सिंगर ही बना के रख देगा right. आपको बॉलीवुड सिंगर नहीं बनाएगा yeah. तो हम हमने जितने भी माशाल्लाह मैं सबसे सीख रहा हूँ सबसे सुनता हूँ सबको सुनता हूँ तो मेरे हिसाब से जो क्लासिकल सिंगर्स हैं वो फिल्मी गाने पसंद नहीं करते इवन वो सुनते भी नहीं हैं और मेरे पापा कहते हैं कि हम जब साथ के पास बैठते थे, थे तो वो रेडियो बंद करवा देते थे क्योंकि जो फिल्मी गाना है उसमें बहुत सारी लिबर्टी होती है हम रागों को मिश मिक्स कर देते हैं हम ताल में कम ज़्यादा कर देते हैं लिबर्टीज़ लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो क्लासिकल गायन के अनुशासन में नहीं आते उनके नियमों में नहीं आते तो क्लासिकल पूरा डिफरेंट है और बॉलीवुड बॉलीवुड सिंगिंग डिफरेंट है लेकिन बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है जैसे आप एक कंप्यूटर चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि की कीज़ कहाँ हैं कैसे टाइप करना कैसे नहीं है ना अगर आपको सी ए बनना है तो फिर आप पूरा वही सीखिए बट डू यू थिंक जो सिंगर्स होते हैं यू नो actors take away a lot from singers uh when they are performing you know because ek gana banane mein obviously ye work hota hai like you said musicians hote hain lyricists lyricists hote hain composers and all singers hote hain then actors usko enact bhi karte hain um bahut humne articles mein bhi padha hai uh lata mangeshkar mam uh unhone royalty ke bare mein bahut bar बातें उठाई हैं so do you think royalty is something that should be given to singers because जो सॉन्ग्स होते हैं उनकी लाइफ लाइन भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मूवीज़ हम अगर बात करें सिक्सटीज़ के सेवेंटीज़ के सॉन्ग वो आज भी देखे जा रहे हैं मूवीज़ भी देखे जा रहे हैं फॉर श्योर बट इंडियन कल्चर हमारा वैसा है कि बिना डांस के बिना म्यूज़िक के, के कोई भी इवेंट अधूरा रहता है सो यू थिंक रॉयल्टी शुड बी गिवन राइट और नॉट रॉयल्टी Uh, मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है रॉयल्टी आप जब गाने जाते हैं तो आप पहले से पूछ लेते हैं कि भैया मेहनत आना क्या मिलेगा तो वो आपको जो मिल जाता है वो ले लेना चाहिए आपको और आजकल का तो रोल्टी का यहाँ इंडिया में सेशन इतना करप्ट है कि रोल्टी ना मिले मिले तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसमें और, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रॉयल्टी मेरे ख्याल से रोयटी के बजाय एक ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जो सिंगर्स लोग कमाते हैं जिन जो रोइल्टी इकट्ठी होती है वो उन आ, एक्स सिंगर्स को दिया जाए या एक्स डायरेक्टर्स इंडस्ट्री के जितने भी जो पुराने जो मज़ूर हैं जो अभी काम नहीं कर सकते जैसे पेंशन के तौर पे उनको कुछ ना कुछ दिया जाए उसी रोल्टी में से हमें रोइटी लेके कोई मतलब नहीं है हम चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सिक्योर रहे हमें इंडस्ट्री की तरफ से जो रॉयल्टी है हमारी वो हमें मिलती रहे और हमारी रोल्टी में से भी उनको मिलता रहे ताकि उनका जीवन और अच्छे से गुजरे yeah. मेरे हिसाब से एक्चुअली गुड फ्यूचर सिक्योर होने के लिए राइट right? सो exactly. yeah. so, uh, आपके गाने जो हैं बहुत ही वेरीड हैं विच इज़ अ यू नो वेरी गुड थिंग लाइक एक तरफ शौक है एक तरफ कुक्कड़ का मालता है एक तरफ तो मर गया और बहुत सारे गाने हमने गाए हैं I think he would be the right a person to give advice. So what is the advice that he would give for people जो लोग actually aspiring singers हैं या musicians हैं in general कि उन कैसे तैयारी करें कैसे आना चाहिए उनको ऊपर अगर वो I Bollywood नहीं बोलूँगा but in general movie business में कैसे how 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 should they start? आ मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि वो रियाज़ करते रहें सीखते रहें जब तक मैं गा रहा हूँ बम्बई नहीं आए क्योंकि मैं गा रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ तो मैं जिस दिन बोलूँगा कि मैं रिटायरमेंट घोषित तो कर रहा हूँ संन्यास ले रहा हूँ तब तो आप बॉम्बे आइए आपका बॉम्बे आप बॉम्बे के खैर ये हुई मज़ाक की बात मैं आ, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपसे सबसे ये कहूँगा कि ये बम्बई शहर है यहाँ पे सीखने का वक्त नहीं है हालांकि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है लेकिन जो चीज़ आप करने आ रहे हैं उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगन कि आपको करना है बाकी चीज़ें तो ये बम्बई दे देती दे दे है आपको तो अपने आप पर भरोसा रखें और कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो किया नहीं जा सकता आई गेस जो सुन रहे हैं फॉलो करेंगे उसको आम, ओके सो अभी मैं आपके साथ एक क्विज़ खेलने वाला हूँ <laughs> <laughs> उसकी जरूरत नहीं है खाली आपको आ, सवालों के जवाब देने हैं बस या वेरी सिंपल फर्स्ट हु इज योर फेवरेट सिंगर ऑल टाइम सिंगर मेल एंड फीमेल रफी साहब एंड लता मंगेशकर एंड करंट फेवरेट सिंगर मेल एंड फीमेल सोनू निगम श्रेया घोषाल वन एक्टर यू विश टू सिंग फॉर कोई एक्टर जिसके लिए आप गाना चाहते हो यू you नो know, कि आपको लगता है आपकी आवाज़ उस पर सबसे ज़्यादा सूट करती है uh, शाहरुख खान के बेटे <laughs> नाइस फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम। अभी तक गाया नहीं मैंने वन ड्रीम डायरेक्टर यू विश्व सिंग फॉर मेरे तो सारे डायरेक्टर अच्छे ही हैं। मैं कंपोजर का वो कर सकता हूँ कि मैं उनके लिए उनके सबके लिए भी गा दिया मैंने नाइस यो फे आपका फेवरेट सॉन्ग एन एल्बम ऑफ ट्वेंटी वापस फेवरेट सॉन्ग आ गया जी फेवरेट सॉन्ग है हाँ जी आई uh, लव uh, लाल सिंह चड्डा के गाने बहुत अच्छे थे और शेर शाह के गाने भी बड़े अच्छे थे माशाल्लाह आपका खुद का गाना मेरे गाने तो बहुत अच्छे थे नाइस इंडिपेंडेंट म्यूजिक और फिल्म म्यूजिक फिल्म म्यूजिक संजय लीला भंसाली की मूवीज का म्यूजिक या करण जौहर की मूवीज का म्यूजिक करण जौहर की मूवी का म्यूजिक रबा में तो मर गया या शौक देखो शौक से रब्बा मैं तो मर गया ओके लास्ट वन अगर आपको र, रब्बा मैं तो मर गया गाना हो शौक़ की ट्यून में शौक की जो धुन बनी हुई है hmm. आप ट्राई करना चाहेंगे बिल्कुल नहीं सर <laughs> <laughs> नहीं सर क्या है मुझे उन लोगों के साथ काम करना है तो फिर वो बोलेंगे कि आप फीमेल सिंगर की आवाज में गाओगे क्या बहुत मुश्किल हो जाएगी सर बट ठीक है ऑन दैट नोट आई एम श्योर लिसनर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे आप एक बार शौक गा बिखरने हाँ, तो. hmm, का मुझको शौक है बड़ा समेटेगा मुझको तू बता जरा। है खरने का मुझको शौक है बड़ा समेटेगा मुझको तू बता जरा जरा मैं खो गया था <laughs> no, but that's actually really good. And it was amazing talking to you, sir. Thank you, Thank you so much.